हुई खत्म जब से वो सोहबतें मेरे मशगले भी बदल गए। कभी रोए शाम को बैठ कर, कभी मैं कदे को टहल गए। तेरा हाथ हाथ से छुट गया तो लकीरें हाथ की मिट गईं। जो लिखा हुआ था वो मिट गया, जो नसीब थे वो बदल गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सीन कुछ ऐसा ना कि फिर वही बात आती है, सीन। जानवरों को वंडा वगैरह खिला पिला दी है, आज इनको मिसाला खिलाना है। कोई ना खुराक में ऐसी डाइट आ जाती है, पर कुछ जब ये खान वहाँ भी निकले तो आ रहे मेरी। इनके ना डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ना कोई मसला आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसके लिए ना इनको मिसाला देना पड़ता है। वैसे हम पंजाबी में कहते हैं जनवरा की मिसाला मरेने हैं, मतलब हफ्ते तो बाद मरेने उन्हें। आज मैं ना काफ़ी दिनों के बाद आपको दिखा रहा हूँ, मतलब लाइफ में, खैर यूट्यूब पर चैनल पर फर्स्ट टाइम मैं दिखा रहा हूँ ये जो मिसाला है। ये डैडी जान ने तैयार करके दिए हुए, फक्की बना के दिए, पता नहीं इसमें क्या क्या है। सिमाब भाई ब्लैक वाले बकरे को खिला रहे हैं। ना दिखाओ यूट्यूब फिर बकरे को बचड़न स्ट्राइक आई हो। नहीं बकरे को बचड़न स्ट्राइक नहीं आती, यकीन मान आएगी, बस नहीं आती। हसनैन ने बुलाया, कहते हैं अंडा फंस गया। मैंने कहा अंडा फंस नहीं गया, अंडा उसका टूट गया और उसके परों के साथ चिमट गया, मतलब चिमट गया। उसको पकड़ो और उसे निकालो, अंडा उसका तोड़ दो, वो फारिग हो गया, टूट गया। अरबान भाई अब क्या कर रहे हैं, आज अब क्या लेके आए हमारी बहनों के लिए? सबसे मुश्किल काम था इसको देना और ये खुद ही खा गए। मेरे ख्याल में खा आधी हो गई। माशाल्लाह जनवर, देख के अपने माशाल्लाह लाजमी कहना है। नहीं दिखाना, आप भी जाना दिखाओ ना यार थोड़ा सा। तो नहीं अभी ईद पर दिखाएंगे आपको। माशाल्लाह हमारे सारे जानवर अब सेहतयाब हैं, बस एक जानवर हमारा थोड़ा सुस्त रहता है ये वाला, बाकी इसके अलावा सारे अल्हम्दुलिल्लाह सेट हैं। थोड़ा सा मिसाला मैं ऐसे भी खिलाता हूँ, चलो जी। और सेहत ये मच्छी है सारी, सेहत के लिए सही मुफीद चीज़ है ये। दोस्तों यमन किस किस को याद था, जब यमन आया था उस टाइम ये कितना था और अब ये देखे ना कैसा हो गया। माशाल्लाह सही सेहत याब हो है, मोटा ताज़ा, दिल करता है बंदा से इसकी कढ़ाई, इरमान से कढ़ाई खाएं इसकी। खाएं रबा कोई जानवर नहीं करना। फिर क्या जबा करना है? कुछ भी नहीं। मैक्सी रबा होने वाली। इसके बच्चे भी देने वाले हो गए, दूध इसके नीचे कम हो गए। मैं सिमाब भाई और हसनैन सोच रहे थे कि आज का व्लॉग बनाएं, क्या व्लॉग बनाएं। साथ ही ना हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर भाई हैं, मैंने उस दिन बताया था ना कि एक हमारे हरिपुर से भाई हैं, वो मुझे शिकार के बारे में बता रहे थे, तो वो साथ ही हमारे डेरे पर पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाए भाई क्या शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? अहमद। किस चीज़ का शिकार करते हैं आप लोग? शुगर का भाई। जब हमने सेह का शिकार किया था ना, मतलब जो हमसे मिस्टेक्स हुई थी, जो हमारी गलतियां थी ना, तो भाई ने फिर मुझे बताया कैसे करना है और ऐसे नहीं करना। 15 तारीख को हरिपुर ये जा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि आप कोशिश करें मेरे साथ चलें। कल पर सब इन्होंने मुझे वीडियो सेंड किया, एक सूअर मारा है, तो अब मुझे कह रहे हैं कि आओ पिघाड़ दिखाओ। ये यार ये पिघाड़ नहीं है, पिघाड़ी कुत्ता है। पिघाड़ हम वैसे बोलते हैं, पिघाड़ी कुत्ता है। पिघाड़ और जर्मन शेफर्ड के क्रॉस में है। अच्छा, शिकार के लिए काठे और गुलटेरी होते हैं, ऐसे कुत्ते भी शिकार करते हैं? लगाना पड़ता है, कोई ना कोई लग जाता है, कोई नहीं भी लगता। हमारे दोस्त के पास था, उसके पास लगा हुआ था। ये पिघाड़ी उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, पिघाड़ियों को। रात को हमारी गुलटेर काम पर ही होती है, और ये बाहर शेर में खुला बैठा हुआ होता है, इनको ठंड नहीं लगती। बिघाड़ जंगली जानवर है, उसका खून उसके बीच में आया हुआ, तो इसलिए इनको ठंड कम ही लगती है। चाबी ना अहमद भाई को अपने गुलटेर डॉग दिखाते हैं। अहमद भाई आपने ज़्यादा हमें बताना है, क्योंकि आप बड़े शिकारी हैं, हम नए फ्रेश जवान शिकारी हैं, हमें बताना है कि किस क्वालिटी की हैं। सबसे पहले तो ना अहमद भाई मुझे एलर्जी का बताएं कि एलर्जी किस वजह से हो रही है और क्यों हो रही है? गर्म चीज़ खाई है, गर्म ज़्यादातर तो हम इनको सालन रोटी डालते हैं, लेकिन बीच में चिकन वगैरह, छिछड़े वगैरह, बोनलेस, इस तरह की चीज़ें बॉयल करके डालते रहते हैं, मतलब उनका सूप बना के डाल देते हैं। इसको ठंडी चीज़ें नहीं, कच्ची। अच्छा कच्ची, मैंने क्या कोई आइसक्रीम वगैरह दूँ, ठंडी आइसक्रीम ही होती है। तासीर ठंडी नहीं होती, तासीर ठंडी नहीं होती आइसक्रीम की, वो गर्म होती है। अच्छा इसको भी पहले हुई है ये एलर्जी हुई है ना, नीचे वाली साइड से एवरमेक्टिन इंजेक्शन भी लगाना है और कच्ची भी पिलानी है। इसको भी नीचे वाली साइड से हुई थी सारी खारिश, अभी सेट हो गई है। इसे भी लगा दें, खुद ब खुद खारिश हुई है, खुद ब खुद सेट हो गई है। वो तो माशाल्लाह ना मरते मरते बची है ये वाली, इसको तो ड्रिपे लगी है तब जाके उठी। अहमद भाई मुझे बताएं शिकार पे लगेंगी ये नहीं सूअर के, या उस दिन इन्होंने हमारे साथ बैड सीन किया है, गिदड़ हमारे सामने था, इसके साथ था, बल्कि ये फेस लगा के उसको वापस आ गई है। दोनों आपस में इकट्ठे खड़े हुए हैं, ये वापस आ गई है।
फिलहाल अभी समझ नहीं है, पहली बार देखा होगा कि ये भी कुछ चीज है। मेरे हिसाब से ना इसने कुत्ता समझ के छोड़ दिया है। इंशाल्लाह कोई ना कोई सीन करते हैं, बाकी सीवर पे लगेगी पक्का, खुद ब खुद ही आया, लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, लेकिन लग जाएगी, मतलब लग जाएगी। अहमद भाई पूछ रहे थे जैकी को कुल्हाड़ी किसने मारी है, तो जैकी को कुल्हाड़ी मारने वाला बशिंदा आ गया, डॉक्टर शहजाद। डॉक्टर साहब आज इंटरव्यू दियो ना, तुसा क्यों कुल्हाड़ी मारी है, दसो हुण। इस रिटायरमेंट जा दे, हैं इसे रिटायरमेंट दे दिए, ये दोबारा मुड़ के आना ही नहीं है हुण। इसने कहा जी मेरा नया सूट फट गया शिकार पे, ओ ओ इन्हें भी पता चल गया था, अब जब तक मुझे कोई नया सूट गिफ्ट नहीं करेगा कॉटन का, करंडी का, फैशन वेयर का। शुक्र है ग्लॉक नहीं आई, तैसी नहीं डटे जा रहा थी। उस दिन कस्मेट आ जावे जैसे देनते आ मसे बचे हैं, आ जावे लाइट ना आन की थी होया ना, बनने तो सारी डब लगी थी, मैं ना अभी के मैं कह रहा था मेरे शक पहने तो पे बनो नाल ही थोड़ी जगह ध्रुव भाई है नाल ही ध्रुव वहां जा ही सकते हो। दोबारा डॉग्स की डाइट तैयार की थी, अभी वो हो गई है ठंडी, दोबारा आग लगाइए। अच्छा मैं भी आ रहा हूं, दोबारा आग लगाइए और इसमें डाइट गर्म करने लगे। भाई ने बताया गंधक और काली जीरी दूध में डाल के मिक्स करके वो इनको दो, तो से इनकी खारिश जो है ना एलर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, और साथ में इनको ठंडी चीज़ें पिलाना शुरू करो, हमारी डाइट बहुत ज़्यादा गर्म है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैक्सी दोबारा से पार करने लगी है, ठीक हो गई है, पहले तो इसने बहुत ज़्यादा डरा दिया था। हमारे डेरे पे ना सब मैक्सी पे गुस्सा करते हैं, सब सिमाब शिजाद असनैन हमजा सारे, ये किसी काम की नहीं है, कोई शिकार नहीं करती। असल ये इसने कौन सा शिकार करना होता है, इसने शिकार करना होता है बटेरे का, तीतर का। मैक्सी चुप चुप, इसने तीतर का, बटेरे का, खरगोश का शिकार करना होता है, और हम इसको लेके जा रहे थे से गीदड़ लूमड़ के शिकार पे, तो ये बेचारी इधर क्या करेगी। ए मैक्सी मैक्सी मानो, जब से बीमार जब बीमार ही शिजाद भाई कहती नहीं जाती, जब बीमार ही है तो शिजाद भाई कहते हैं हाँ, जब पहले हम इसको घर ही जाते ओ गई 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 एक ला जैकी मगरिब की अजानें हो गई हैं, बाहर ज़मीनों में आए थे शिकार करने के लिए नहीं, खुद की इंजॉयमेंट के लिए भी, डेरे पर भी बोर हो जाते हैं, गांव ही है लेकिन डेरा डेरा होते हैं। जब यहाँ पर आएँ सिर्फ सर सब्ज़ व शादाब आपको बाग, मतलब फसलें आपको नज़र आएँ, हम हों और हमारे डॉग हों तो मज़ा आ जाता है। सार टिकटॉक की वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं जैकी ने, आज बड़ा है सार टिकटॉक की वीडियोज़ वगैरह बेटे कौन है तू, सार टिकटॉक की वीडियोस वगैरह बनाई है तो उसमें मजा आ गया, जैकी ने मजा करवाया, ग्लॉक ठीक रही है लेकिन जैकी ने आज ऐसी ऐसी वो गई है ग्लॉक, ऐसे ऐसे शॉर्ट्स क्लिक करवाए ना कि मजा आ गया, ओ गई है जैकी, ओ गई ओ जैकी गई, ग्लॉक वो जा रही है, शाम का टाइम है पिक्सल फटने लग गए। दो दिन हो गए, कह रहा हूँ आज क्यों होने की वीडियो बनाता हूँ, आज क्यों होने की वीडियो बनाता हूँ, कल वोट थे तो उस वजह से इंटरनेट नहीं था, मैं क्यों होने की वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि इंटरनेट होता तो मैं यूट्यूब ओपन करता, आपके क्वेश्चन रीड करता तो आंसर देता। बाकी घर जा रहा हूँ, डाइट वगैरह तैयार है, इसमें भाई खुद डाल देंगे मैक्सी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्तों की दुआओं की वजह से सेट हो गई है। बाकी ग्लॉक भी बाहर आ गई मेरी आवाज़ सुन के, और जैकी भी बाहर आ गई है, ग्लॉक और जैकी की खारिश ने बहुत टेंशन दी हुई है, रोज़ इनको खारिश स्टार्ट हुई होती है। बाकी गंधक और जो भाई बता के गए हैं वो मिक्स करके इनको देंगे। हसनैन ये शाहपुर मोबाइल मेरे पकड़ो, मेरी पॉकेट नहीं है, वैसे